जो फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट वगैरह या और कोई गाड़ी है फोर्ड की, तो इसके जो फ्यूज बॉक्स है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि मतलब इसका स्टार्टर का रिले कौन सा है, फ्यूल पम्प का कौन सा है, एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं रहता है। उसके लिए आपको चाहिए इसका मेन्यू, उस पर लिखा हुआ रहेगा। अगर आपके पास मेन्यू नहीं है तो अपने को कंफर्म करना है कि इसका स्टार्टर का रिले कौन सा है। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि इसका स्टार्टर का रिले कौन सा है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टर का रिले का लोकेशन दिखाने वाला हूँ कि हो सकता है कभी गाड़ी का बैटरी ख़राब हो या स्टार्टर ख़राब हो, कंफर्म करना है अपने को। तो इसमें स्टार्टर का रिले जो है वो कौन सा है, तो इसमें जो स्टार्टर का रिले है वो है R8। ये R जो दिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये R7 R8 ये वाला जो है ये स्टार्टर का रिले है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये स्टार्टर का रिले है और इसके अंदर जो है ये दो वायर को अगर हम डायरेक्ट करेंगे, ये जो सामने के दो वायर है ये और ये, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बट इसके अंदर मेन आना चाहिए, जब इग्निशन ऑन रहेगा मेन आएगा तब, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ठीक है। ये दोनों वायर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें मेन नहीं आएगा तो फिर आपको बैटरी से लेके देना पड़ेगा, बट ध्यान से अगर आपको पता नहीं है तो कुछ और भी ख़राब भी हो सकता है। तो ये जो वायर है आपको इसमें दिख रहा होगा, 5 नंबर और 3 नंबर, 5 और 3, ये जो दोनों वायर है ये आप डायरेक्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये पिन और ये पिन। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, वायर का टुकड़ा ले रहा हूँ मैं, ये वायर मैंने बना लिया था, ठीक है। देख सकते हो दो वायर मैंने बना लिया ऐसा जॉइंट। तो उसके बाद आपको एक वायर यहाँ पे लगाना है, ये इधर सामने इधर लगा देता हूँ मैं, और एक वायर थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ, एक वायर इधर सामने लगाना है, ठीक है। देख सकते हो स्टार्टर लग रहा है इसका, गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसका इग्निशन ऑन नहीं है। तो पहले हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे, इसके बाद ही होगा कोई भी गाड़ी का। इग्निशन कर देता हूँ ऑन, अभी मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। जब तक मीटर के अंदर लाइट नहीं आती है तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप कितना भी सेल्फ मारो। अगर आपकी गाड़ी चाबी वाली है या कोई भी है, तो अभी मैंने इसका इग्निशन ऑन किया, यहाँ पे देख सकते हो पुश बटन हो या की हो ब्लेड की हो, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे चेक करते। तो अभी मीटर के अंदर लाइट आ रही है, चलते बाहर। ठीक है, इग्निशन ऑन है और ये मैंने सेल्फ मारा, देख सकते हो आप गाड़ी स्टार्ट। तो ये बता रहा था मैं आपको, एक्स वाई जेड दुनिया में कोई भी गाड़ी हो, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो इग्निशन ऑन करने के बाद ये जो आप देख रहे हो ये सामने का पॉइंट, इसको आप करोगे तो फिर काम बढ़ जाएगा गाड़ी में। इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, ये जो पिन देख रहे हो आप ये वाला, ये पिन और ये पिन को डायरेक्ट करना है, मीन्स ये वाले दोनों पिन को आपस में अटैच करना है। लेकिन अगर इसके अंदर मेन नहीं आ रहा तो आपको बैटरी से लेके देना पड़ेगा, वो अलग से मैं बताता हूँ आपको दूसरी वीडियो में। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ये दोनों पिन को आप डायरेक्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि बैटरी ओके है कि नहीं है या स्टार्टर का फॉल्ट है, ये कंफर्म कर सकते हो कोई भी गाड़ी के लिए।